चलो भाई पार्ट थ्री करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और रही सही बातें पूरी कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने नो डाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बेसिक ज्ञान इकट्ठा किया है। हमने समझा है कि इनके द्वारा होने वाली रिएक्शन हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हम ये भी समझ पाए कि जिंदगी की सबसे हसीन रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ही है। हमारे जीन्स इस बात को जानती हैं और शायद इसीलिए हमें हरे भरे नज़ारे बड़े पसंद आते हैं। बट क्या केवल इस धरती पर ये रिएक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ही हैं? कहीं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहानी नहीं है? थोड़ा सा जरा बैक्टीरिया को भी जान लेते हैं। हमारी ही सेल की तरह बैक्टीरिया की सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नीड इनकी भी होती है, खाने पीने की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट की, डीएनए की। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हमें यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, ऐसा बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। और जो जो रिएक्शन हमारी अलग अलग मेम्ब्रेन पर होती हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, वो सारी रिएक्शन यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती हैं। बैक्टीरिया को भी ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल जरूरत पड़ती है और ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। बाद में इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ करके पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, जैसे कि यूकेरियोटिक सेल में भी होता है। पाइरूवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल को एंजाइम ए टीसी में पार्टिसिपेट करेगा ताकि जितने भी कार्बन अवेलेबल थे उनको ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर सकें। इस सारी कहानी से जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उन इलेक्ट्रॉन को NADH और FADS2 की हेल्प से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिया जाएगा जो कि मेम्ब्रेन पर अवेलेबल है, और ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो F1 पार्टिकल का सहारा लेकर के ATP जनरेट करने में हेल्प करेगा। यानी कि मोर ऑर लेस जो कहानी हम लोगों ने यूकेरियोट्स में देखी है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, सेम ऐसी कहानी बैक्टीरिया में भी होती है। हालांकि बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स एनवायरमेंट में रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा NADH या FADS2 ही आएंगे, जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया जो आयरन रिच एरिया में रहते हैं वो आयरन के डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म से ले सकते हैं, या नाइट्रेट से, नाइट्राइट से, तो सल्फर भी। अब यहां तुम्हारा काम है कि किस तरह के बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेंबर कौन कौन है और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए क्या क्या मॉलिक्यूल अवेलेबल है। दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया सारा का सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट हमेशा ATP जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। भाई एक ही सेल की लाइफ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बेचारे छोटे गरीब से हैं, सब कुछ काम इन्हें एक ही सेल के द्वारा करना है। इसलिए जब कभी बैक्टीरिया को मूव भी करना होता है तो फ्लैजेला के रोटेशन में भी इन्हीं प्रोटॉन ग्रेडियंट की स्टोरी आती है। हम ये भी जानते हैं कि चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे बैक्टीरिया, मोर और लेस आर्किटेक्चर सेम है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाली कहानी हमेशा याद रखिएगा, जो हमें ये कहती भी है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कभी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे और फिर किसी सिम्बायोटिक रिलेशन को निभाने के लिए सेल के अंदर आए और उसी के होकर रह भी गए। आज माइटोकॉन्ड्रिया हमारी तमाम तरह की सेल्स का पार्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्लांट में पाया जाता है। हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के रूप में जानते हैं, और ऐसा कारण भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन जिन ऑर्गेनल्स में काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन जो इन ऑर्गेनल में काम करते हैं उन प्रोटीन्स को बनाने की क्षमता इनमें है नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के DNA पॉलीमरेज़ गामा को ले लो, जिसको बनाने वाले जीन न्यूक्लियर जीनोम में है। वहां से ट्रांसक्रिप्शन होकर RNA बनता है, साइटोप्लाज्म में आता है, ट्रांसलेट होता है, प्रोटीन बनता है, और फिर डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्टर इस DNA पॉलीमरेज़ गामा को लेके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, टॉम और टिम नाम के प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और बाद में ये DNA पॉलीमरेज़ गामा माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को रेप्लिकेट करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग मीडियम में रखना भी चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने आप को डिवाइड करने के लिए नेसेसरी सारे प्रोटीन भी नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप किसी कल्चर मीडियम में आइसोलेट नहीं कर सकते, और इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में जितनी बातें जानते हैं, रातों रात तो हमें खबर हुई नहीं। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट का जोर इसी बात पर था कि भाई ATP जनरेट कैसा होता है। इसको लेकर के एक कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी डेवलप हुई, जिसका मानना यह था कि कुछ केमिकल की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार होते हैं और वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे प्रोटॉन के फ्लो होने से मिलने वाली ऊर्जा का ATP जनरेट करने में इस्तेमाल होता है।
चलो कुछ एक्सपेरिमेंट मैं भी तुम्हें रिकॉल करा दूं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर थायलाकोइड की वेसिकल तैयार की गई। इन वेसिकल्स को जब एक ऐसे मीडियम में डाला गया जहां पीएच थी 4, तो वेसिकल के अंदर भी और बाहर भी प्रोटोनिक कंसंट्रेशन 4 पीएच के बराबर हो गई। अब नो डाउट, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है नहीं, इसलिए प्रोटोन का कोई नेट फ्लो देखने को नहीं मिला और F1 पार्टिकल ने एटीपी भी जनरेट नहीं किया। लेकिन जब इन वेसिकल्स को निकाल करके एक ऐसे मीडियम में डाला गया जहां पीएच 9 थी, तो क्योंकि वेसिकल के अंदर तो भाई पीएच 4 अवेलेबल थी, प्रोटॉन बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल थे, लेकिन जो बाहर का एनवायरमेंट था वहां पीएच 9 थी, प्रोटॉन की मात्रा कम थी। प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से F1 पार्टिकल के थ्रू बाहर आए और इसी ताकत का इस्तेमाल करके ADP प्लस PI को जोड़ करके ATP बनते हुए दिखाई दिए। ये शुरुआत के स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट थे कि भाई प्रोटॉन का ग्रेडियंट ATP जनरेट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे सॉल्यूशन में डाला गया जिस सॉल्यूशन के अंदर पीएच थी 9 और KCl भी पड़ा हुआ था। नतीजा, एनवायरनमेंट के अंदर और बाहर KCl की मात्रा अच्छी खासी हो गई और आप जानते हो कि जब भी कभी KCl टूटता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नाम के आयन बनते हैं। कंसंट्रेशन अच्छी खासी बन चुकी है, पीएच 9 थी बाहर भी और अंदर भी। यहां से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल करके जब एक दूसरे मीडियम में डाला गया जहां पीएच थी 5, तो 5 पीएच का मतलब है एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन अब ज्यादा है बाहर वाले एनवायरमेंट में, जबकि सेल के अंदर जो पीएच थी वो केवल 9 थी, प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम। और यहां वेलिनोमाइसिन नाम का एक मोबाइल कैरियर भी डाला गया जो कि के पॉजिटिव आयंस के लिए सेलेक्टिव कैरियर था। अब क्योंकि के पॉजिटिव की मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ज्यादा है, तो इस कैरियर ने के पॉजिटिव को निकाल के बाहर डालना शुरू कर दिया। नतीजा, एक तरफ जहां प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा थी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो अब के पॉजिटिव की मात्रा भी यहां ज्यादा हो गई है, यानी कि प्लस चार्ज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ज्यादा था, के पॉजिटिव की वजह से भी और एच पॉजिटिव की वजह से भी। अब इस बढ़े हुए चार्ज के डिफरेंस की वजह से मैट्रिक्स की तरफ प्रोटॉन्स ने मूव करना शुरू किया और F1 पार्टिकल की हेल्प से ATP को जनरेट किया। इस तरह के काफी सारे एक्सपेरिमेंट से कई बार यह साबित हुआ कि केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी बेकार नहीं है। यह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है कि ATP जनरेट करने में प्रोटॉन का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और F1 पार्टिकल दोनों जुड़कर के काम करते हैं, कपल डायरेक्शन शो करते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए गए। एक एक्सपेरिमेंट में ADP प्लस PI को जोड़ा गया। नो डाउट ADP और PI सब्सट्रेट तो हैं F1 पार्टिकल के, लेकिन F1 पार्टिकल को काम करने के लिए H पॉजिटिव का ग्रेडियंट भी चाहिए, क्योंकि जब तक H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे नहीं, चीजें मूव नहीं करेंगी। और केवल ADP प्लस PI जोड़ने पर ना तो कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ऑक्सीजन कंजप्शन को लेकर के, और ना ही ATP बनता हुआ दिखाई दिया। सक्सीनेट ऐड करने पर कुछ बदलाव आया। हम जानते हैं कि सक्सीनेट कॉम्प्लेक्स सेकेंड को इलेक्ट्रॉन देता है, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी भी और वाटर बनाएगा भी। हम लोग ये जानते भी हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन काम करेगा तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी बनाएगा, और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके ADP प्लस PI को जुड़ करके ATP बनेगा। इसलिए मीडियम में ADP प्लस PI और सक्सीनेट को ऐड होने के बाद ना सिर्फ ऑक्सीजन कंजप्शन होते हुए दिखाई दी, बल्कि ATP को जनरेट होते हुए भी देखा। हाँ, अगर हम साइनाइड ऐड कर दें जो ब्लॉक करता है लास्ट कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रुक जाती है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना बंद हो जाता है, और अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा तो फिर F1 पार्टिकल ATP कैसे जनरेट करेगा। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में यह बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ब्लॉक कर दिया जाए तो ATP की सिंथेसिस भी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में सक्सीनेट और ADP प्लस PI ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जरा भी, F1 पार्टिकल ने ATP बनाया भी, लेकिन जैसे ही F1 पार्टिकल के इनहिबिटर वेंचुरोसिडिन या ओलिगोमाइसिन को ऐड किया गया, तो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बंद हुई बल्कि ATP का बनना भी बंद हो गया। DNP ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तो चलना शुरू हो गया ऑक्सीजन कंजप्शन से मालूम पड़ा, लेकिन F1 पार्टिकल के द्वारा ATP बनना शुरू नहीं हुआ। लॉजिक भी था सिंपल सा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को काम करने के लिए सक्सीनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नो डाउट सक्सीनेट से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, वाटर बनेगा और प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी तैयार होगा। F1 पार्टिकल के थ्रू प्रोटॉन को बाहर जाना है,
लेकिन अगर हम लोगों ने इसी को ब्लॉक कर दिया ओलिगोमाइसिन और वेंचोसिन डाल करके, तो प्रोटॉन इकट्ठे होते जाएंगे। कभी फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भर के देखिए, भाई कितनी हवा भर सकते हो, कितनी भी। एक लिमिट ऐसी भी आएगी जब वॉल प्रेशर आपके लंग प्रेशर के बराबर हो जाएगी और आप हवा भर नहीं पाओगे। ऐसे ही ये बढ़ता हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को भी इनहिबिट करेगा, और इसीलिए जिस टाइम हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को इनहिबिट होते हुए देखा है, ये वो टाइम था जब F1 पार्टिकल ने प्रोटॉन को मूव करना बंद कर दिया। डीएनपी के डालते एक नया रास्ता क्रिएट हुआ। जितने भी प्रोटॉन यहां इकट्ठे हो रखे थे, वो सबके सब यहां से निकल के मैट्रिक्स में जाना शुरू कर चुके हैं, और जो स्ट्रेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के ऊपर लगा हुआ था, अब वो खत्म हो चुका है। नतीजा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दोबारा चलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि क्योंकि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं डीएनपी के थ्रू, तो F1 पार्टिकल को उस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। बस ये मान लो कि जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल का जलना जरूरी है, तो भाई धुएं का बाहर निकलना भी जरूरी है। अगर साइलेंसर में कुछ चीज़ ठूस दें हम लोग कि धुआं बाहर निकल ही ना पाए, तो वही धुआं इकट्ठा हो करके इंजन को चौक कर देगा, और भाई पेट्रोल होने के बावजूद इंजन बंद हो जाएगा। हाँ, अगर हम साइलेंसर में कहीं छेद कर दें कि धुआं कहीं और से निकल सके, तो फिर दोबारा से इंजन काम करना शुरू कर देगा। तो इन एक्सपेरिमेंट से दो बातें बड़ी क्लियर हो गई कि जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को चलना जरूरी है प्रोटॉन पंप करने के लिए, तो जो प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं इनको भी बाहर निकलना जरूरी है। अगर किसी भी कारण से बाहर ना निकल पाए, तो बढ़ती हुई मात्रा इनहिबिट कर सकती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को, और बाहर निकलने के लिए जहां F1 पार्टिकल एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, तो कुछ और भी चैनल्स हैं। अगर वो अवेलेबल हैं, तो F1 पार्टिकल के बिना H पॉजिटिव डायरेक्ट वहां से भी निकल सकते हैं। अब अगर स्टोरी ऐसी हो जाए जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को दे करके पानी मिला करके प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बना रही है, लेकिन F1 पार्टिकल तक ये प्रोटॉन जाते ही नहीं है और बीच में किसी रास्ते से वापस बाहर निकल जाते हैं बिना ATP जनरेट किए। तो एक तरीके से ये जो दो सिस्टम थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और F1 पार्टिकल, इनके कनेक्शन को तोड़ दिया गया इस चैनल के द्वारा। इसलिए आमतौर पर इस तरह के चैनल्स को हम लोग अनकपलर भी कहते हैं, जो अनकपल कर दें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को F1 पार्टिकल से। इस सारी कहानी में एक बात यह भी याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के मेंबर जब इलेक्ट्रॉन एक जने से दूसरे जने को दे रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन भी आसपास ही एनवायरमेंट में, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बावला है। अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो बहुत जल्दी से ले लेगा, और इसलिए कई बार ऑक्सीजन बीच में किसी मेंबर से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। इलेक्ट्रॉन ले तो लिए बट संभलेंगे नहीं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के रूप में जाना जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक भी है। अब क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन रूटीन में होती रहती है, और अगर ये फ्री रेडिकल बनते रहे तो ये हमारे बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इनसे बचने के लिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिसे आप SODB कहते हो, इसकी हेल्प से फ्री रेडिकल्स को H2O2 में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज इन्हें पानी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और ऐसा करने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती रहती है, तो ग्लूटाथायोन को लगातार इलेक्ट्रॉन देने के लिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेज NADPH का सहारा लेता है। ये तीनों एंजाइम मिलकर के हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते भी हैं। अब बात आती है इनहिबिटर्स की। भाई हम लोग जहर के बारे में जानते हैं, जहर खा लिया जान निकल गई। यार जहर कोई चाकू छुरा तो है नहीं कि आपके पेट के अंदर गया और उसने काट पीट करके सब कुछ मार दिया और इंसान की जान निकल गई। आमतौर पर जहर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो किसी इंपॉर्टेंट पाथवे को रोक दे काम करने से या खराब कर दे, और यह पाथवे ऐसी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेटरी चैन के इनहिबिटर्स बहुत तीखे जहर हैं। भाई साइनाइड के बारे में तुम सब जानते हो, कितनी सारी कहानियां सुन रखी हैं, साइनाइड का टेस्ट कोई नहीं बता पाया, किसी ने टेस्ट करने की कोशिश की थी, पैन हाथ में लेकर के जीप के ऊपर साइनाइड रखा ही था, बस ऐसे लिख पाया और मर गया। पता नहीं इसका मतलब स्वीट था या सोर था, बट ये कहानियां हैं, कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि साइनाइड काफी तेज से काम करता है और बहुत खतरनाक जहर है। ये साइनाइड
माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन अगर ब्लॉक होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, एटीपी तैयार नहीं होंगे, और अगर एटीपी नहीं है तो फिर जिंदगी कहां से होगी। तो चलो फिर थोड़े से इनहिबिटर्स को समराइज कर लें कि कौन सा इनहिबिटर कहां अटैक करता है। अब जैसे इनहिबिटर्स के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटर साइनाइड और कार्बन मोनोक्साइड, इन दोनों का ही टारगेट कॉम्प्लेक्स 4 होता है। ये दोनों आके बाइंड कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन को देने देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बंद हो जाएगी, प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा और एटीपी जनरेट ना होने की वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। और इसीलिए शायद साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तीखे जहर हैं। तो एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रेवल ना हो पाए। इसके अलावा मायोक्सोथायाजोल, रोटिनोन, अमाइटल और पिरासिटिन ए, ये सब के सब ब्लॉक करते हैं क्विनोन को ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्विनोन से आगे कॉम्प्लेक्स 3 तक ना जा सके। डीसीएमयू भी ऐसा ही काम करता है, हालांकि क्लोरोप्लास्ट वाली कहानियों में, जहां ओरोवर्टिन कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक करता है एडीपी प्लस पीआई के फॉस्फोराइलेशन को, तो ओलिगोमाइसिन और वंचुरोसिडिन ये ब्लॉक करते हैं एफ जीरो को ताकि प्रोटोन का मूवमेंट रुक सके। हालांकि ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के एफ जीरो पार्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही डीसीसीडी भी प्रोटॉन के चैनल को ब्लॉक करता है। एफसीसीपी, डीएनपी और थर्मोजेनिन, ये प्रोटॉन के चैनल के रूप में काम करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रोटॉन ग्रेडियंट को तैयार करेगा तो जहां इन प्रोटॉन्स को F1 पार्टिकल के थ्रू जाना चाहिए था, अब ये प्रोटॉन मूव करेंगे इसके थ्रू और वापस आ जाएंगे मैट्रिक्स में। प्रोटॉन का ग्रेडियंट तो बेकार हो गया, लेकिन जो एनर्जी लिबरेट हुई वो एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो गई, एटीपी नहीं बना। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के प्रोटॉन ग्रेडियंट को बिना एटीपी बनाए बेकार कर सकें, हम उन्हें अनकपलर कहते हैं, क्योंकि सही मायने में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और F1 पार्टिकल के बीच के कनेक्शन को तोड़ दें। कनेक्शन क्या था? प्रोटॉन ग्रेडियंट का। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नुकसान करने के लिए है। अब थर्मोजेनिन को ले लो, बच्चों में पाए जाने वाले ब्राउन फैट में थर्मोजेनिन यही काम करके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जो कि बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी भी है। अब क्योंकि एटीपी बनाते हुए लगातार इस एरिया में एटीपी की मात्रा बढ़ने वाली है और एडीपी की मात्रा कम होने वाली है क्योंकि वो कंज्यूम होगा, तो साथ में एक ट्रांसपोर्टर ऐसा भी है जो एटीपी को यहां से बाहर भेजता रहे और एडीपी को सप्लाई करता रहे। एट्रोसाइट इसी एटीपी एडीपी एक्सचेंजर को ब्लॉक करता है। इनमें से कोई सी भी एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन बंद हो सकता है। इनमें से काफी सारे मॉलिक्यूल एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, तो काफी सारे हर्बिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और तीखे जहर तो हैं। समरी के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को इनहिबिट करने वाले साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों के दोनों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था, इसको ब्लॉक करते हैं। एंटीमाइसिन बी ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1 जो कि कॉम्प्लेक्स 3 की स्टोरी थी। मायोक्सोथायाजोल, रोटिनोन, अमाइटल, पियरसिडिन ए, ये सब के सब फेरस सल्फर सेंटर से यूबिकोनोन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की कहानी को ब्लॉक करते हैं। डीसीएमयू QB बाइंडिंग साइट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने नहीं देता। तो भाई एटीपी सिंथेसिस के इनहिबिटर के रूप में ओरावर्टिन था जो F1 पार्टिकल को इनहिबिट करता है, तो ओलिगोमाइसिन और वंचुरोसिडिन ये दोनों F0 करते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का हो या क्लोरोप्लास्ट का। तो DCCD ये ब्लॉक करता है प्रोटॉन का फ्लो F0 पार्टिकल के थ्रू, फिर चाहे क्लोरोप्लास्ट की कहानी हो या फिर हो माइटोकॉन्ड्रिया की। सिमिलरली अनकपलर वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से क्रिएट हुए प्रोटॉन ग्रेडियंट को बेकार कर दें, F1 पार्टिकल तक जाने ना दें, उनमें आते हैं FCCP और DNP, दोनों के दोनों हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन के कैरियर्स हैं। अब प्रोटॉन बजाय F1 पार्टिकल से निकलने के इनके थ्रू निकलेगा। सिमिलरली वेनेडोमाइसिन जो कि K पॉजिटिव का INO4 है, और थर्मोजेनिन ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू में मिलता है और ये भी प्रोटॉन कंडक्टिंग पोर्स बनाता है। एटीपी एडीपी एक्सचेंज करने वाले मॉलिक्यूल्स के इनहिबिटर एट्रासाइलोसाइट ये इनहिबिट करता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के ट्रांसलोकेस को।
इनमें से कोई सा भी एक काम खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और F1 पार्टिकल काम नहीं करेंगे। तो अभी तक की कहानी में आपने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैसे होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से उनके इनहिबिटर्स हैं। ये सारी बातों में से हो सकता है क्या पता एग्जाम के अंदर तुम्हें 10 नंबर मिल जाए। ध्यान से करना, मल्टीपल टाइम इन वीडियोस को देखना, अच्छी तरीके से नाम याद रखना और फिर एग्जाम में सोच समझ के जवाब दे आना। आई फ्लाई में ऐसे ही बहुत सारी बातों को हम आसान करके समझ लेते हैं। ये लेक्चर ऑनलाइन है, वीडियो हाई क्वालिटी के होते हैं, पढ़ने का टाइम तुम्हारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है। आई फ्लाई के कोर्सेज के साथ आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT, सेलेक्ट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो JNU, MSc के एंट्रेंस और IIT, JAM की भी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जहां तुम्हारा मन करे, लाइक करो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ और रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहो। एग्जाम पास में है, जीत तुम्हारी है। चलो फिर लगे रहो, बाय बाय।